बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? हैप्पी दिवाली। आज दिवाली और हम लोग सब आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग दिवाली का ब्लॉग शूट करेंगे और हम लोग दिन भर क्या करेंगे वो भी दिखाएंगे आप सबको। हाँ, आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। मम्मी भी खाना बना रही है, वो सब दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट और फिर हम लोग लग गए काम पे। सो गाइज, मम्मी अभी बना रही है लंच और साथ ही साथ शाम का तैयारी भी कर रही है। और आज हमेशा की तरह आज कुछ स्पेशल बनेगा, तो आप लोग देख सकते हो मम्मी को। हैप्पी दिवाली सबको। तो आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या बनाते हैं और मम्मी रेसिपी भी डालेगी अपने चैनल पे, तो वो भी देख लेना आप लोग। आज मम्मी को आया है केक का भी ऑर्डर और हम लोगों ने मतलब केक का बैकग्राउंड के लिए हम लोगों ने बैकग्राउंड चेंज किया है किचन का, जैसा कि आप देख ही रहे हो। हैप्पीनेस इज होममेड। और फिर इधर भी हम लोगों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, पहले का वॉलपेपर सब कुछ चेंज कर दिया है इधर वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो का बैकग्राउंड हमारा अच्छा आ नहीं रहा था। और हम लोग होम टूर भी देंगे आप लोगों को पूरा अच्छे से, क्या क्या चेंज किया है घर में, क्या क्या इन्वेंट किया है नया नया। और ये देखो इस महाशय को, ये कहाँ बैठा है ये देखो। और एक तो रूम में सो रहा है, पता नहीं वो क्या है। सो गाइज, यहाँ पे दीदी दिया को धो मतलब डुबो रही है पानी में शाम के लिए। और मम्मी पीछे केक का रेडी, केक बनाने के लिए रेडी कर रही है सब कुछ। और उसका वीडियो तो मैं बाकी लाऊंगी ही मम्मी के चैनल पे। यहाँ पे दीदी क्या बना रही है? डोसा का मसाला। देखो आज किचन में शेफ उतर के आई है। हाँ, ये बस मसाला बनाएगी, बाकी तो डोसा का सब कुछ इधर मम्मी ने ऑलरेडी करके रखा है। और ये रही मम्मी यहाँ पे। मम्मी भी थोड़ा सा ध्यान दे रही है क्योंकि बनाना तो मम्मी को ही है। यहाँ पर मैक्स वाली के खाने का टाइम हो चुका था तो इन लोग खाना खाने चले गए। और फिर केक का ऑर्डर आ गया था तो मम्मी केक बनाने लगी थी और साथ ही साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। मम्मी का फर्स्ट वीडियो आने वाला था, मतलब आ चुका है ऑलरेडी, कुकिंग का फर्स्ट वीडियो जो कि दिवाली स्पेशल रेसिपी है, आप लोग जाके ज़रूर देख लेना। तो आप लोग देखते रहो, मैंने थोड़ा बहुत क्लिप डाला है, बाकी पूरा रेसिपी तो आप लोगों को मम्मी के चैनल पर ही मिलेगा। सो ये अभी हम लोग का लंच बन रहा था डोसा, हमने सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं। सो लंच में हम लोगों ने डोसा बनाया, मतलब मम्मी ने बनाया। सो हमारा टेस्टी लंच रेडी हो चुका है जो मम्मी ने बनाया, बहुत ही टेस्टी। मुझे मम्मी के हाथ का डोसा बहुत पसंद है और मैंने रिक्वेस्ट किया था मम्मी को बनाने के लिए, मतलब ये मेरा ही डिमांड था। सो मम्मी ने पूरा कर दिया और अभी ये बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया था। मम्मी बोल रहे थे बेकार में तुमने मुझे फंसाया, डायरेक्ट शाम को ही बनाते तो लेट नहीं होता, बट फिर भी सब कुछ हो गया। उसके बाद लंच के बाद मैं लग गई पूजा रूम में, मतलब स्वास्तिक बनाने में, और मतलब बहुत टाइम हो गया था, ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो फिर मैं स्वास्तिक बना रही थी और यहाँ पर ज्योति मतलब सारा दिया निकाल के उसमें तेल वेल डाल रही थी, बत्ती वगैरह कर रही थी। और फिर मम्मी ने पूजा स्टार्ट किया और हम लोग सब ने मिलके, हम तीनों ने मिलके पूजा किया, बहुत ही अच्छे से पूजा किया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और ये डेकोरेशन मैंने और ज्योति ने मिलके किया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को मैं शॉर्ट्स में दिखाऊंगी पूरा रूम का, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हमने बनाया है, बिफोर एंड आफ्टर वो सब डालूंगी। और हो सके तो एक लॉन्ग व्लॉग भी डालूंगी सोच रही हूँ, तो देखते हैं अभी, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर डालूंगी। एंड ये रहा लाइटिंग्स वगैरह ज्योति ने किया है ज़्यादातर, मैंने भी उसका हेल्प किया। और यहाँ पर अभी दिया निकाल रही है वो, सो हम मतलब हाफ ऑफ करके हमने किया, बट
और काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इतना लेट हो गया था हम लोग को जल्दी जल्दी में, तो इसलिए बाद में मैंने रंगोली भी बनाया था, ये सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, सब काम में बिजी थे तो किसी एक को तो पकड़ना पड़ता फ़ोन, तो इसलिए मिस हो गया वो। सो आप लोग ओवरऑल लुक देख सकते हो पूरा पूजा रूम का कैसा लग रहा है, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हैप्पी दिवाली बोलो। सो ये था हमारा फाइनल लुक, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हुए, हमें तो टाइम ही नहीं मिला था, हमने सोचा था नहीं होंगे रेडी बट एट लास्ट हो गए, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा था बट जैसा भी हुआ अच्छा ही हो गया, बट हम लोग अफसोस रील वगैरह शूट नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर अगले बार या फिर कभी और कर लेंगे, और छठ पूजा भी आ रहा है तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, उसका ब्लॉग तो ज़रूर आएगा, तो बना लूँगी मैं अच्छे से वीडियो, अभी बस शॉर्ट सा बनाया मैंने थोड़ा बहुत ताकि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ मैंने सोचा इसीलिए, एंड उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पटाखे वगैरह जलाए। हम इधर खड़ा, इधर खड़ा, और डिनर में मम्मी ने बनाया था मटर पुलाव एंड मटर पनीर की सब्ज़ी जो बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इसका रेसिपी मम्मी ने अपने चैनल पर डाला है। सो दिवाली स्पेशल जो मैंने बोला था, मम्मी ने रेसिपी फर्स्ट रेसिपी डाला है अपना लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पे, तो जाके ज़रूर देख लेना एंड वहाँ से आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना था। सो डैट्स ऑल, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।